दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीजों के बेनिफिट्स फॉर वुमेन हेल्थ के बारे में। दोस्तों, अलसी के बीज में इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक साथ किसी एक बीज में मिलना नामुमकिन है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड के बारे में कि फ्लैक्स सीड में ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं जो कि वुमेन हेल्थ में फायदा करते हैं, फ्लैक्स सीड के अंदर होने वाले न्यूट्रिशन बेनिफिट के बारे में, न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में, और इसे किस तरह से और कौन कौन से प्रॉब्लम्स में वुमेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि आप फ्लैक्स सीड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और फ्लैक्स सीड से होने वाले बेनिफिट्स को आप अपने रूटीन में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज के एक और हेल्थ कंसर्न वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए और आपके नॉलेज में कुछ और ऐड हो जाए तो इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले कोई भी वीडियो में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्लैक्स सीड हमारे बोन हेल्थ में भी बहुत मदद करता है। तो फ्लैक्स सीड के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बोन डेंसिटी को मेंटेन रखते हैं जिसकी वजह से हमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम रहता है और हमारी जो बोन्स हैं वो मजबूत रहती हैं। दोस्तों, बोन्स मिनरल डेंसिटी क्या होती है इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, जिनके पीरियड्स आना बंद हो गए हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है जो हमारी बोन्स है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी फ्लैक्स सीड जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। फ्लैक्स सीड हमारे शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस करने में भी फायदा करता है। तो फ्लैक्स सीड के अंदर फाइटोइस्ट्रोजन्स होते हैं जो कि एक तरीके का प्लांट कंपाउंड होते हैं। तो ये फाइटोइस्ट्रोजन शरीर में ईस्ट्रोजन जो कि एक हार्मोन है उसका लेवल मेंटेन करके रखते हैं। और ऐसी महिलाएं जिनको मेनोपॉज सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि रात में पसीना ज़्यादा आना, मूड चेंज होना, ऐसी समस्याओं में जो अलसी के बीज हैं वो फायदा करते हैं। अगला जो फायदा है फ्लैक्स सीड का वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ में। तो इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड्स और लिगेंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फीमेल्स में पीरियड्स को रेगुलेट करने में, और पीरियड्स के टाइम पर जो भी समस्याएं होती हैं जैसे कि पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, इन सारी परेशानियों में भी जो फ्लैक्स सीड हैं वो मदद करते हैं। अगला जो फायदा है वो है फीमेल्स में फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में। तो इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत मदद करते हैं फीमेल्स में पीरियड्स को रेगुलेट करने में, और अगर कोई जो महिला है वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो भी भ्रूण है उसके डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। तो फ्लैक्स सीड के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है जो कि मदद करता है फीमेल्स एग को फर्टाइल करने में, और फीमेल्स के सर्विक्स में म्यूकस को बढ़ाने में भी मदद करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म्स है उसका मूवमेंट जो है सर्विक्स से फैलोपियन ट्यूब की तरफ ज़्यादा हो जाता है जिससे जो फीमेल्स का एग है वो जल्दी स्पर्म्स के कांटेक्ट में आ जाता है और फीमेल्स प्रेग्नेंट हो पाती है। फ्लैक्स सीड के अंदर लिगेंस पाया जाता है जो कि एक न्यूट्रिएंट्स है, तो ये मदद करता है फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में। कुछ स्टडीज ऐसा कहते हैं कि इसमें मौजूद लिगेंस ब्रेस्ट कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है जिसकी वजह से जो ट्यूमर होने का खतरा होता है फीमेल्स में वो कम हो जाता है। फ्लैक्स सीड के अंदर फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं स्किन को हाइड्रेट रखने में। इससे हमारी स्किन जल्दी ड्राई नहीं होती है, स्किन में जलन और सूजन भी नहीं होती है, और जो सेल्स होती हैं वो भी रिजनरेट होती रहती है, जल्दी जल्दी बनती रहती हैं। इसमें मौजूद लिगेंस के पास एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जिससे हमारी स्किन जल्दी डैमेज नहीं होती है और फ्री रेडिकल्स को भी कम करते हैं जिससे हम समय से पहले बूढ़े नहीं होते हैं। अगला जो फायदा है वो है थायराइड फंक्शंस में। तो कुछ रिसर्च ऐसा बताती है कि फ्लैक्स सीड थायराइड हेल्थ पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। तो फ्लैक्स सीड के अंदर गोइट्रोजेंस नामक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि अगर आपका थायराइड ग्लैंड के हार्मोन ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उनको नॉर्मल करने में मदद करता है। अगला जो फायदा है फ्लैक्स सीड का वो है वुमेन्स में मूड और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में। तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है
जरूरी होता है महिलाओं में ब्रेन हेल्थ के लिए। तो कुछ रिसर्च ऐसा बताती है कि इसके अंदर एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब जो फीमेल्स में डिप्रेशन में जाने की कंडीशन हो जाए उससे बचाने में, और एंटी एंजाइटी मतलब कुछ घबराहट वगैरह अगर की प्रॉब्लम है उससे बचाने में मदद करना। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि मदद करती है कि वुमेन्स को, किसी भी वुमेन्स को डिप्रेशन में ना जाए या फिर किसी को एंजाइटी ना जाए, एंजाइटी ना हो, तो इस तरीके की प्रॉब्लम से ये बचाने में मदद करता है हमारा फ्लैक्स सीड्स। अगला जो फायदा है वो है फीमेल्स में मीनोपॉज के बाद होने वाली समस्याओं से रिलीफ दिलाने में। तो फ्लैक्स सीड के अंदर फाइटोएस्ट्रोजन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कि हेल्प करता है मीनोपॉज यानी पीरियड्स बंद होने के बाद आने वाली समस्याओं में, जैसे कि रात में पसीना आने की समस्या, वेजाइना में सूखापन रहने की समस्या, जोड़ों में दर्द होने की समस्या, इन सारी परेशानियों से फ्लैक्स सीड फायदा करता है। अगला जो फायदा है वो है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो फ्लैक्स सीड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को फीड करवाती हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इस तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम फूड के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं, और नॉन एसेंशियल ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको बॉडी हमारी खुद ही बनाती है। तो फ्लैक्स सीड मिल्क के प्रोडक्शन में भी मदद करता है, और जो भी न्यूट्रिएंट्स फ्लैक्स सीड में होते हैं वो माँ से बच्चे को मिलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हमें फ्लैक्स सीड लेने से पहले अपने डॉक्टर की परामर्श जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।